ऐतिहासिक चौगान मैदान नाहन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रवासी कामगारों की सैंपलिंग के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जहां 100 से अधिक कामगारों के कोरोना सैंपल लिए गए। मीडिया से बात करते हुए बीएमओ धगेड़ा मोनिशा अग्रवाल ने बताया कि डीसी सिरमौर के निर्देशों पर प्रवासी कामगारों की कोरोना सैंपलिंग की जा रही है और बाहरी राज्यों से आने वाले हर प्रवासी कामगार पर स्वास्थ्य विभाग नजर रखे हुए है। बीएमओ ने बताया कि कोरोना सैंपलिंग के साथ साथ प्रवासी कामगारों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है, ताकि सभी कामगार कोरोना का टीका लगवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रवासी कामगारों के लिए अलग से वैक्सीनेशन की व्यवस्था भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर विभाग गंभीर है और सभी लोगों को कोरोना सैंपलिंग के साथ साथ कोरोना वैक्सीनेशन के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। ब्लॉक धगेड़ा में 8 जगह सैंपलिंग रोज होती है, बट जहां हम अर्बन में भी कर रहे थे, रूरल एरियाज में। बट जैसे कि आप जानते हैं, आजकल हमारे पास कोई पॉजिटिव केस नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। मान लिया कि संक्रमण में कमी आ गई है वायरस के, बट मैं ये मानती हूँ कि हमारी तैयारियों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो इसके अंतर्गत हमने, डीसी साहब ने हमें ये निर्देश दिए थे और हमारे सीएमओ साहब ने, कि आप ऐसा करिए कि जहाँ जहाँ लेबर बाहर से आ रही है वहाँ जाके सैंपलिंग करिए। तो हमारी टीम आज 6 बजे नाहन चौगान ग्राउंड पहुँच गई थी, लेबर 7:30 बजे के करीब आनी शुरू हुई। इसमें हमें सेवा भारती सदन ने भी हमारी काफ़ी मदद की और लेबर को इकट्ठा किया, और लेबर भी के लिए भी मैं धन्यवादी हूँ कि वो उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया। हमने उन्हें वैक्सीनेशन के लिए भी मोटिवेट किया है, इनमें से आधे लोग हो चुके हैं और कुछ लोगों के लिए हम शीघ्र ही वैक्सीनेशन कैंप भी लेबर के लिए अरेंज करेंगे। वैसे तो हमारे कैंप्स जगह जगह पे लगते रहते हैं, बॉर्डर पे भी लगते हैं, तो जो भी प्रवासी आता है, हमारी कोशिश रहती है कि हम जल्दी से उन्हें सैंपल कर लें। और हमारी जो आशा वर्कर्स हैं, उन्हें भी आइडिया रहता है कि कौन सा प्रवासी उनके इलाके में आया है, तो वो हमें बताते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उनका सैंपल ले लें। अगर कोई नहीं मानता है तो उस पर नज़र रखी जाती है 14 दिन तक, कि उसको कोई कफ या कोई ऐसे सिम्टोमेटिक तो वो नहीं हो रहा है। तो ऐसा है कि ये वायरस ऐसा है कि इसमें, मतलब, ना तो इसकी हमें किसी भविष्यवाणी की जा सकती है इसके संबंध में, और कब तक ये रहेगा, कैसे है। तो इसमें सबसे अच्छी जो हमारा प्रयास रहेगा वो यही रहेगा कि लोगों को एजुकेट करें, थर्ड वेव को हम इसी तरह से रोक सकते हैं।